हम लोगों का जो 10 के नोट पे ये सूर्य मंदिर बना है ना, ये देखो पहाड़ के लौंडे समंदर पे भी पहुंच गए। कुछ समय बाद क्या पता बिजली वाला। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द न्यू डे इन जगन्नाथपुरी। और आज हमारा है डे टू, तो गुड मॉर्निंग। तो रूम की हालत हमेशा की तरह सेम, एकदम बेकार सा। तो भाई आज इतना सुबह उठा देना भाई ने हमें ऑलमोस्ट 5:30 बजे की भाई सनराइज देखना है। लेकिन सनराइज कहाँ का देखना है वो मैं बताऊँ आपको, कोणार्क मंदिर का। तो आज का जो हमारा सीन है वो है कोणार्क मंदिर जाने का। कल हम लोग भाई लेक साइड पे गए थे और शाम को हम लोग इसीलिए भाई बीच साइड पे नहीं जा पाए कि इतनी तगड़ी बारिश हो रही थी ना भाई यहाँ पे, कि भाई रूम पे ही पहुँच के बहुत बड़ी बात है। और रास्ते में क्या हुआ था, वो बिजली वाला तो भाई कल मतलब शाम को इतना खतरनाक होगा ना भाई। और ऊपर से हमारे सारी फोन की बैटरी सब डेड हो गया था, इसी वजह से हम ब्लॉग भी नहीं कर पाए। तो आज का सिस्टम ये हमारा कि हम लोग जाने वाले हैं कोणार्क के सूर्य मंदिर पे, मतलब भगवान सूर्य जी का मंदिर है। और उसके बीच में 2-3 और लोकेशन है, उन्हें भी हम कवर करते हुए चलेंगे। तो पहले रूम से निकलते हैं तभी तो कवर कर पाएंगे। तो फटाफट रेडी होते हैं और निकलते हैं रूम से। तो हमेशा की तरह फिर से ज़िंदगी शुरू हो चुकी है हम लोगों की। और पीछे देख सकते हो भाई मंदिर हमेशा। और कहाँ से जाना है हमें आज? अभी हम जाएंगे टैक्सी स्टैंड पे, बस स्टैंड है उधर जाना पड़ेगा ना हमें। चलो चलो चलो। तो ये है टूरिस्ट गाइड का पूरा रेट वेट जो भी है। अभी भाई बात करके कन्विंस करते क्या क्या है। तो देखो क्या होता है, क्या बात पड़ती है। तो ठीक, पीछे देखो भाई मंदिर, हर दिन की शुरुआत मंदिर से। भैया 3 लोगों का क्या चार्जेज होगा? 300 रुपये। तो दोस्तों जैसे हम लोग कमरे से बाहर निकले ना, तो हमें टूरिज्म वाले मिल गए थे। तो उन लोगों से हमने बातचीत करके सही डील वील करके हम लोग पहुँच चुके हैं अर्बन हट पे। तो अर्बन हट देख लो भाई, ये लोकेशन है ऑलमोस्ट मेरे को लग रहा है रेलवे स्टेशन के पास में। और भाई मैं ये बता दूँ कि एक इंसान का बस में किराया 300 रुपये, हम तीनों का मिला के 900 रुपये। तो अभी बहुत सही चार्जेज है और यहाँ पे पहुँचते ही अभी टाइम लगेगा बस को भरने में। तो उससे पहले हम लोग तब तक नाश्ता वास्ता कर लेते हैं। तो देखते हैं नाश्ते में यहाँ पे क्या क्या मिलता है। कल तो हम लोगों ने उपमा खाया था, कल हमने उपमा खाया, तो आज इडली मेन वड़ा। और आज देखते हैं क्या क्या मिलता है यहाँ पे। तो नाश्ता वास्ता करते हैं, देन कब जाती है बस पता चलेगा। तो आज का सफ़र कोणार्क से लेके कहाँ तक पता नहीं, आई डोंट नो। बस निकलते जाओ निकलते जाओ। सुबह सुबह नाश्ता करना ज़रूरी है, दोनों जॉब वाले लोग तो सुबह सुबह नाश्ता कर रहे हैं। तो नाश्ते में है पूरी और छोला, पूरी और छोला। तो हम लोगों ने 2 ही मंगाई, इसी में हम लोग एडजस्ट कर लेंगे। और अभी भाई सबसे पहले नाश्ता करना ज़रूरी है। और ऑलमोस्ट ये पूरा बस सर्विस है ना, ये हमको 5 से 6 जगह घुमाने वाला है। तो देखते हैं कौन कौन सी जगह है। यस, चाय की चुस्की बहुत ज़्यादा। तो एक चीज का इशू हो रहा है थोड़ा, लैंग्वेज का है, चाय गरम है। चलेगा। और चाय चाय चाय। तो नाश्ता हम लोगों ने कर दिया है और हम लोगों ने इस बस को बुक किया हुआ है। तो 300 रुपये पर पर्सन। तो सीट देखते हैं भाई कैसी है, सीट है एसी वाली है नॉन एसी वाली है। अरे भाई जाने तो जाने तो। ट्रैफिक 7 बजे बाद 8 बजे बाद बहुत ही तगड़ा मिल रहा है, क्योंकि सुबह ही लोग निकलते हैं यहाँ पे। हेलो ब्रो, कंडक्टर साहब। जैसे हम लोग सीट पे बैठे ना, तो देख रहे हो भाई DOG साहब यहाँ भी। तो मतलब आज लंका लगने वाली है हम लोगों की, दूर दूर रहना है, क्योंकि पूरे ट्रिप की शुरुआत तो DOG साहब ने ही की है। तो इस ट्रिप पे भी मुझे लग रहा है बस हो चुकी है शुरू और बस निकलने की तैयारी है। और लगभग भाई नॉर्मल बस से आओगे ना आप, तो थोड़ा सा वेट तो करना पड़ेगा भाई, क्योंकि सवारियाँ भरने में टाइम लगता है। और ऑलमोस्ट यहाँ से भाई अभी तक मेरे अकाउंट के हिसाब से 30 से 40 बसें निकल चुकी है कोणार्क के लिए। तो इतना टूरिज्म है उड़ीसा में, अच्छा लगा देख के। उत्तराखंड में भी है लेकिन नई जगह पर आए तो नई जगह का टूर भी, नई जगह की चीज़ें जो एब्जॉर्ब कर रहा हूँ ना, बहुत अच्छा लग रहा है। तो लोग कहते हैं कि यार भाई सफ़र करना इतना टफ है, क्योंकि मुझे नहीं लगता भाई, आप इजीली आइए बस
जेब में पैसे होने चाहिए और निकल पड़िए सफ़र पे, सब कुछ मिल जाएगा ईजीली, खाना पीना रहना कोई दिक्कत नहीं है। और अभी तो हम लोग कोणार्क जा रहे हैं, तो इस पूरे सीरीज़ का जो मेरा इंटेंशन था वो यही था कि भाई बाहर जा के भी आप लोग इजीली रह सकते हो, जैसे हम लोग पहाड़ों में रहते हैं ना, इतने हेल्पफुल लोग यहाँ के भी हैं, कितने स्वीट लोग यहाँ के भी हैं, और देखो कितने प्यार से बात करता है यार, तो यहाँ देखो कितने प्यार से बात करते हैं। हम लोग रुके हुए हैं चंद्रभागा बीच पे, जहाँ पर भाई सबसे पहले इसके सूर्य की किरण आती है, तो जहाँ पर सबसे पहले सूर्य भगवान की किरण आती है, तो ये देख रहे हो भाई यहाँ पे इतना भाई रश है। और अभी हमें बताया कि पूरे संसार में भाई ऐसे ही सिर्फ इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में सबसे पहले जो सूर्य उदय होता है ना, मतलब सनराइज होता है, उसकी किरण यहाँ पे पड़ती है। तो इस खूबसूरती के लिए भाई हम लोगों को यहाँ पे आना पड़ रहा है, और इसकी स्टोरी अभी हम जानेंगे समझेंगे क्या है। How's the feel? चिड़गिचस हो रहा है। तो भाई यहाँ पे भी एकदम बाइक बाइक देखने को मिल रही है, तो देखते हैं बाइक का क्या सीन होता है, बाइक चलाने का मूड होगा तो चला लेंगे, क्योंकि बाइक कम्युनिटी के लौंडे हैं तो भाई थोड़ा मिस तो कर रहे हैं। पहाड़ के लौंडे समंदर पे भी पहुँच गए, कुछ समय बाद क्या पता हवा में भी रहे, तो ये सब इंजॉय हो रहा। तो लेट्स सी क्या क्या बोटिंग वोटिंग करने को मिलता है कि नहीं। पूरा हो चुका है और जूते हम लोग ने रखे हुए हाथ पे, और रेत के मजे लेंगे हम लोग, देख रहे हो भाई। तो इस रेत के भी मजे अलग है, और बस यहाँ पे हम लोग को ऑलमोस्ट 20 से 25 मिनट का टाइम मिला था, और देन इसके बाद हम लोग चल रहे हैं अब कोणार्क के लिए। तो ये पूरा सफर एक दिन में होगा, सही है जितना हम लोग कवर कर सके अच्छा है। चंद्रभागा बीच से पहुंच चुके हैं कोणार्क के लिए, और आते ही नारियल पानी, क्योंकि भाई बॉडी डिहाइड्रेट बहुत जल्दी हो रही है। और हमारे भाई देख रहे हो भाई, इनको स्ट्रॉ नहीं चाहिए, ऐसे ही पिएगा। तो चंद्रभागा बीच से ऑलमोस्ट भाई 10-15 मिनट का रास्ता है, इजीली जा सकता है। और हम लोग को जाना इधर, यह है भाई मेन गेट, यहीं से आप लोगों को एंट्री होगी भाई, लिखा हुआ भी है देखो भाई, आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के अंदर बात है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण कोणार्क सूर्य मंदिर, देख रहे हो भाई। तो बहुत सारी चीज़ें इसकी, यहाँ पे एक लाइट शो भी होता है, वो होते हैं शाम को 6:30 बजे से, देख रहे हो काउंटर, तो 200 होते हैं अभी, आप लोग भाई पहुँच करके यहाँ पे पढ़ सकते हो क्या क्या है। तो अंदर जाके देखते हैं कैसा है, तो चलते हैं अंदर। फर्स्ट व्यू ऑफ सन टेम्पल, तो क्या खूबसूरत सा लग रहा है भाई जस्ट पीछे, और जो उसकी बड़ी डिजाइनिंग है ना प्रॉपर पुराने तरीके से, तो आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट इसीलिए इस चीज़ को देखता है, केयर वेयर करता है, सही है। और भाई क्या खूबसूरत मंदिर है, चलते हैं मंदिर में देखें क्या क्या अंदर और खूबसूरती है। और जो हमारे गाइड है ना भाई, वो पता नहीं कहाँ चले गए, यहाँ पे एंट्री गेट है, टोकन नंबर देख रहे हो भाई, तो सारी एंट्री वेंट्री हो रही है यहाँ पे, और कितना सारा टोकन गेट है भाई। लोग जब टिकट लेंगे ना उसके बाद यहाँ पे है टोकन सेंटर, तो ऐसा टोकन मिलता है वो इसमें डालना पड़ता है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स है भाई, तो पूरा प्रॉपर तरीके से, कोई भी चीटिंग नहीं, सबसे अच्छा सिस्टम है भाई हमारा इलेक्ट्रॉनिक वाला। और यहाँ से शुरू हो चुका है मंदिर का भव्य, भाई क्या मंदिर है, क्या मंदिर है, देखो ना, देख रहे हो भाई क्या डिजाइनिंग है, मतलब मस्त डिजाइनिंग, बहुत ही मस्त। और भाई सूर्यदेव जी सीरियसली बहुत ही मज़ेदार। हम लोगों को जो 10 के नोट पे ये सूर्य मंदिर बना है ना, ये देखो यहाँ से लिया गया, वो देख रहे हो भाई, आज रियलिटी में देख रहे हैं, आज तक नोट में देखा था और रियलिटी में देख, यहाँ पे इस टाइप की जितने बने 26 हैं, ये देखो भाई यहाँ पे पूरे चारों तरफ 26 बने हुए हैं, बहुत ही प्यारे हैं यार, ये देखो देखो भाई हर एक पहिए पे ना अलग अलग डिजाइन बने हुए हैं, तो ये पुराने भगवानों की तरफ से, और इस वाले इसमें देख रहे हो आप, ये हिरण कश्यप जी है, देख रहे हो भाई, और से देखोगे ना तो हिरण कश्यप जी जब कंस जी को वो करते ना, तो वो वाला फोटो बना हुआ है, तो ये सारी कलाकृति उनकी है। हम लोगों ने पूरा विजिट कर लिया है, और यहाँ पे भाई इतनी सारी चीज़ें देखने को मिली ना, मतलब 26 जो पहिए हैं, जिसकी वजह से हम लोग टाइम सेट करते हैं, तो जितना भी हमारा भारतीय पंचांग चलता है ना, वो इसी के अकॉर्डिंग चलता है सूर्यदेव की तरह। और जो उसके पीछे जो उनकी वाइफ थी छाया जी, उनका भी एक मंदिर है,
तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे, और जो उनका मेन मूर्ति ना वो ग्रेफाइट की बनी है प्योर, तो ग्रेफाइट भाई कोई असर नहीं करता है, ना समुद्र का पानी ना बारिश का, तो बहुत ही रिलीजियस है और बहुत ही पुरातत्व चीज़ें हैं यार। नेक्स्ट टाइम दोबारा आएंगे और अच्छे से घूमेंगे इस जगह को। मैं गोपेश्वर दावी बंदा जिवे आगे आया आगे वे ना बनाया ना कमाया ना नी गवाया तेनू मेरी गला सारी सोनी क्यों नी लगदी है तू लगे प्यारी।